हमारी घर एक स्वतंत्र विश्व घर है जिसका दिख रहा है आपको वीडियो में आपको वो हमेशा आप देख रहे हैं, ये एफिल टावर है ना। हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के आर के फूड मैजिक ब्लॉग्स। तो आज हम आए हुए हैं दिल्ली और कुछ देर में हम अपने रूम पे पहुंचने वाले हैं। ये हमारा रूम है, हमारा किचन है जहाँ पे हम लोग खाना बना के खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये हमारे अभय भैया, पापा और हमारी वाइफ थी। तो यही हमारा रूम है जो कि कुछ दिनों तक हम लोग यहीं स्टे करने वाले हैं, और कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम दिल्ली घूमने का प्लान बना रहे हैं। और कुछ देर में डिसाइड करके कि कैसे घूमना है, यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आप चाहे तो कैब से जा सकते हैं, यहाँ बस चलती है, मेट्रो चलती है। तो ये हमारा रूम का फ्रंट व्यू के पास में जो गैलरी है वहाँ का व्यू है, काफ़ी शानदार, काफ़ी ज़बरदस्त दिख रहा है यहाँ से। आज तो हम लोगों ने एक कैब बुक किया है जो कि ये हमें अपने रूम से पिकअप करने के बाद, शाम को घुमाने के बाद ये हमारे रूम पे ड्रॉप कर देंगे। हम अब पहुँच चुके हैं राजघाट, और ये है राजघाट का एंट्री पॉइंट। गाइज, आप देख पा रहे होंगे कि ये कितना खूबसूरत और कितना हरियाली है। और बात करें अगर दिल्ली घूमने की, तो जब भी अगर आप आएँ तो या तो मिड अगस्त और नवंबर के बीच में आ जाए, इससे आपको ज़्यादा गर्मी यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दिल्ली में आपको पता ही होगा कि यहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो कभी भी आप अगर घूमने आएँ, कोशिश करें कि आप ठंडे में घूमने आएँ, तो आपको ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है दिल्ली में। तो जैसे ही हम लोग अंदर एंट्री करते हैं तो आपको मेन डोर पे ही जूते अपने चप्पल खोल देना पड़ता है। ये समाधि स्थल है, और यहाँ देख सकते हैं कि जो ये लॉक दिख रहा है आपको वीडियो में, वो हमेशा यहाँ पे प्रज्वलित होता है, ये कभी बुझता नहीं है, यहाँ का ये खास बात है। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ कोई फी नहीं लगता है, कोई चार्ज नहीं है, आपको सिर्फ जूते बाहर खोल के अंदर आ जाना होता है। बात करें अगर नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की, तो सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन यहाँ पे दिल्ली गेट पड़ता है, और यह सातों के सातों दिन खुला होता है। और टाइमिंग की बात करें तो सुबह 6:30 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ये राजघाट ओपन रहता है। इस बीच आप कभी भी आके बिना कोई एक्स्ट्रा कोई चार्ज के आप घूम सकते हैं। और ये जो देख रहे हैं, ये जहाँ पे जो गांधी जी का समाधि स्थल बना है उसके पीछे का नज़ारा है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। वो अब हम राजघाट घूमने के बाद आ गए हैं दिल्ली के फेमस जगह, जो कि आप देख पा रहे हैं कि ये लाल किला है। और जैसे ही आप लाल किला के सामने एंट्री करते हैं तो आपको बगल में टिकट घर देख और देख सकते हैं कि ये ठंडा के दिनों में यहाँ पे कितना भीड़ होता है। गाइज, बात करें टिकट की, तो अगर आप स्मारक घूमते हैं तो उसका 50 रुपया लगता है, और स्मारक के साथ अगर संग्रहालय घूमते हैं तो आपको 80 रुपया पे करना पड़ता है। और ये आपके सामने में है स्कैन एंड पे, जो कि टिकट घर के जस्ट बगल में लगा हुआ है। उस पे अगर पे करते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा ही छूट मिलता है,
जहाँ पे आपको 50 रुपये पे करने पड़ेंगे वहाँ आप 35 रुपया पे कर सकते हैं, और जहाँ आपको 86 रुपये या 80 रुपये लगेंगे वहाँ आपको सिर्फ 56 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर टिकट लाइन में ना लग के अगर भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो आप स्कैन एंड पे करके आराम से टिकट खुद से ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। हम लोगों ने UPI की मदद से टिकट बुक करके अब अंदर जा रहे हैं। जैसे ही मेन गेट के अंदर आते हैं तो आपको दरवाजे पे एक साइड और एक दूसरे साइड दो बड़े बड़े तोप देखने को मिलेगा, जो कि आप देख लाल किला सोमवार को छोड़कर सभी दिनों में आप देख सकते हैं, घूम सकते हैं। और लाल किला खुलने का जो समय है वो सुबह 9:30 बजे से लेकर 4:00 बजे तक होता है। और बात करें, आपको पहले भी हमने बताया है कि अगर आप दिल्ली घूमने का प्लान कर रहे हैं तो अक्टूबर से फरवरी के बीच, क्योंकि इस दौरान दिल्ली का सबसे बेहतरीन मौसम रहता है और काफ़ी अच्छा लगेगा जब इस मौसम में अगर आप घूमेंगे दिल्ली। तो किला के अंदर घुसने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे जो सजावटी सामान, लेडीज का पर्स और भी बहुत सारे सामानों के दुकान लगे होते हैं, और यहाँ पे आप आराम से ख़रीदारी कर सकते हैं, जिसमें घरों में सजाने के लिए काफ़ी खूबसूरत सामान सब आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे सस्ता भी मिलता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता है, तो हम लोगों ने कुछ सामान खरीदे भी, खुशी ने भी ख़रीदा। यहाँ आपको सजावट के सामान के साथ साथ लेडीज़ का आइटम ज़्यादा देखने को मिलेगा, और ख़रीदारी भी लेडीज़ लोग ही यहाँ ज़्यादा करती है, जेंट्स के लिए कोई ज़्यादा सामान आपको देखने को नहीं मिलता है। मार्केट ख़त्म होने के बाद और भी जैसे अंदर आप जाते हैं तो बगल में ही आपको संग्रहालय है, जहाँ पे आप मेन गेट पे टिकट ले सकते हैं या तो अंदर आके भी आप टिकट ले सकते हैं। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये गार्डन बना हुआ है, आप यहाँ टहल सकते हैं, बैठ सकते हैं, दोस्तों लोगों के साथ बातें कर सकते हैं। लाल किला के सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन लाल किला दिल्ली मेट्रो स्टेशन ही है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये सामने लाल किला है, और लाल किला के जस्ट बगल में एक रोड गुजरती है, उसी रोड पार करने के बाद आप चांदनी चौक, जो कि ये सामने देख रहे हैं कि ये चांदनी चौक है, और चांदनी चौक के बगल में एक दिगंबर जी का ये रेड कलर का मंदिर दिख रहा है। और जैसे ही आप चांदनी चौक क्रॉस करते हैं तो आपको सामने में एक उजले कलर का जो आपको गुंबद दिख रहा होगा, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब दिल्ली का गुरुद्वारा है, जो कि चांदनी चौक के पास पड़ता है। गाइस, तो आप देख पा रहे हैं कि ये सामने जो है ये जामा मस्जिद के गेट नंबर 2 के सामने ये मार्केट लगा हुआ है, और ये रहा जामा मस्जिद। अगर आप जामा मस्जिद आते हैं तो जस्ट 2 नंबर गेट के सामने में मार्केट करने का भी सुविधा है। यहाँ पे भी आपका कोई टिकट या कुछ ऐसा कोई चार्ज नहीं है। जामा मस्जिद के गेट के जस्ट सामने ही मार्केट लगता है, जहाँ पे खाने वाने का भी सामान मिलता है, शॉपिंग वॉपिंग भी कर सकते हैं। जैसे ही अंदर आप घुसते हैं तो जो जामा मस्जिद का व्यू है वो आपको साफ नज़र आ रहा होगा, और बहुत ही खूबसूरत है ये जामा मस्जिद, वाकई में बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे कारीगरी के तहत ये सब बनाया गया है, जो कि देखने में काफ़ी भव्य और बहुत ही अच्छा दिखता है। इसके नज़दीकी मेट्रो स्टेशन जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन है। गाइज, तो अब हम पहुंच चुके हैं वेस्ट टू वंडर पार्क। आप देख रहे हैं ये इसका गेट है, और सामने आपको यहाँ पे टिकट घर देखने को मिल जाएगा, जिसमें
पर पर्सन 50 रुपये और संडे को ये 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से चार्ज करते हैं। और ये सोमवार को बंद रहता है। ये पिरामिड बनाया गया हुआ है। तो गाइज हम अब पहुंच चुके हैं पेरिस। आप देख रहे हैं ये एफिल टावर है ना, ये पेरिस का एफिल टावर है। इंडिया गेट जो कि 7 दिन खुला होता है और ये 24 घंटे ओपन होता है। अगर आप मेट्रो स्टेशन चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन प्रगति मैदान है जो कि इंडिया गेट से 2.8 किलोमीटर की दूरी पर है। लोटस टेंपल में मोबाइल ले जाना वर्जित है, आप इसके अंदर वीडियोग्राफी या फोटो नहीं ले सकते हैं, सख्त मना है। और जब इसके अंदर जाते हैं तो आपको साइलेंट कोई आवाज़ नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए प्रार्थना किया जाता है जो कि मौन रख के किया जाता है, उसके बाद आप बाहर निकल जाते हैं। यहाँ अगर आप मेट्रो से आते हैं तो सबसे नज़दीकी कालिकाजी मंदिर मेट्रो स्टेशन है। बहाई